Hey there. Hi, Danish. Hi. How are you? I'm doing well. It's early morning. Enjoying your coffee. I am much of a tea drinker. Okay, so chai time with Griha bhi chalega, Danish. But why is it morning? I have to tell all the people who have joined us here is because you are in America and you've been posting your lovely poetry from out there as a Dastango stranded in America. So, sabse pehle, on a lighter note, log baat karte hain America jana hai, America jana. Pehle aise shakhs hain jo keh rahe hain, main to America aake phas gaya hoon. So, hua kya? I mean, what has really happened? Just tell us all about it. हुआ ये था कि मुझे यहाँ पे एक कॉन्सर्ट ओपन करना था 22 मार्च को न्यूयॉर्क सिटी में टाउन हॉल में साथ हिदायत हुसैन खान एंड टी एम कृष्णा. इट वाज लाइक अ म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग क्योंकि आई हैव नो बोन ऑफ म्यूजिक इन मी. तो हिदायत सितार बजाते और टी एम कृष्णा और हिदायत गाते और पार्ट एंड आई वुड हैव डन द स्टोरी टेलिंग पार्ट ऑफ इट. And हम चाह रहे थे कि कुछ जमाने में जिस तरह के माहौल है hello, how the, hi. तो आजकल के जमाने में जैसे जैसा माहौल है एक दास्तान इश्क सुनाए. Oh, nice, lovely. So, lovely. Idea, TM Krishna, Hidayat, and I three, and we had some local artists on percussion and on other instruments. और उसके अलावा I had couple of lectures lined up, like leg dance. So I had to go to Tufts University, I had to give a talk at New York University, I had to give a lecture at Princeton University. So ye pura ek tour tha, ek mahine ka tour tha aur 6 April ko main wapas aane wala tha aur beech mein corona ne aake gaya. But Danish, hame aap ek you know global perspective you know bata sakte hain exactly kya situation hai. क्योंकि यहाँ पे तो एक कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, जरूरी भी है. और आप अभी आई बिलीव मिशिगन में हैं अपनी बहन के पास, तो वहां पे भी कैसे हालात हैं उसके बारे में भी आप जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए. जी अमेरिका में तो हालात जरा खराब हैं और अमेरिका के नंबर्स भी इस वक्त सबसे ज्यादा हैं. मिशिगन भी काफी इफेक्टेड है लेकिन जो चल रही है वो है कैलिफोर्निया में है, लुइसियाना में है, फ्लोरिडा में है एंड आल्सो टू सम एक्सटेंट. और हेलो एनिग्मेटिक लॉकडाउन है यहाँ पे. इनफैक्ट कल ही पहले लॉकडाउन जो था यहाँ पे 12 अप्रैल तक था. अच्छा. लेकिन कल ही जो है वो आया इमरजेंसी अलर्ट आया मिशिगन लॉकडाउन. अच्छा यहाँ पे ना कंट्री वाइज लॉकडाउन नहीं है जैसे हिंदुस्तान में पूरी कंट्री डाउन है. यहाँ पे स्टेट वाइज लॉकडाउन, कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन कह दिया है, कुछ स्टेट ने जो है वो अभी लॉकडाउन नहीं किया. आई थिंक सम 10 स्टेट्स हैव नॉट लॉकडाउन येट, वेयरएज सम हे नील हाउ आर यू ब्रदर एंड सम 40 स्टेट्स हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ दे डन द लॉकडाउन. सो द मिशिगन स्टेट हैज एक्सटेंडेड इट्स लॉकडाउन टिल 30th ऑफ अप्रैल नाउ. ओके ऑलराइट. तो ये तो हुई कोरोना वायरस की डाउन साइड की बात दानिश. बट द गुड पार्ट दैट हैज हैपेंड इज एवरीबॉडी इज एक्चुअली बीइंग वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल. द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एट एन ऑल टाइम हाई. पीपल आर स्टेइंग होम सो दैट दे स्टे सेफ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक और अच्छी बात ये हो रही है कि हम लोग सभी लोग कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं. हम लोग कुछ ना कुछ घर बैठे कर रहे हैं ऐसा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा सके, लोगों को पसंद आए. आप हमेशा से एक पावर हाउस परफॉर्मर रहे हैं और आपने एक नई सीरीज ये शुरू की है व्हाइल यू आर स्ट्रैंडेड इन अमेरिका, अ दास्तान गो स्ट्रैंडेड इन अमेरिका. हाउ डू यू एक्चुअली कम टू टर्म्स विद दिस लॉकडाउन फर्स्ट एंड द फैक्ट दैट यू हैव टू बी स्पेंडिंग मोर टाइम देयर इन अमेरिका एंड नॉट कमिंग बैक होम सूनर एंड देन डिसाइडिंग टू डू समथिंग एज इनोवेटिव एज नॉवल एज दिस कॉन्सेप्ट? भाई पहले तो लॉकडाउन हुआ तो पहले 10-12 दिन तो आदमी हेज में रहा क्योंकि इतनी जिस स्पीड के साथ इवेंट्स अनफर्ल कर रहे थे और चीजें हो रही थी तो एवरीबॉडी वाज लाइक हिट बाय एन एस्टेरॉयड. आपको हो क्या रहा है और रोज कुछ नया अनरेवल होके आता था. तो पहले तो थोड़ा वक्त लगा लोगों को समझने में कि भाई ये बहुत ही चोर किस्म का वायरस है
ये एक बार घुस जाता है और काफी 9-10-12 दिन तक जो है वो बिल्कुल आपको कुछ सिम्टम्स पता ही नहीं लगते हैं, एंड देन ओनली द सिम्टम्स स्टार्ट शोइंग, एंड बिकॉज द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग, तो आप क्या होता है, आप सोचते हैं मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ, आप नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे होते हैं और उसमें आप और भी लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं. सो इट टुक अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि भाई लॉकडाउन इज परहैप्स द ओनली वे. हाय सादिया, लॉकडाउन इज परहैप्स द ओनली वे टू काइंड ऑफ कंट्रोल दिस थिंग, बिकॉज देर इज नो वैक्सीन, देर इज नो अदर, कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है इसका. अच्छा, उसके बाद जब लोग लॉकडाउन में आ गए, तो भाई पहले तो क्या हुआ कि लोग भाई दम सेल्फी खींच रहे हैं, तो कोई बर्तन धोते हुए सेल्फी की बना रहा है, तो कोई चाय पीता हुआ सेल्फी बना रहा है, तो कोई वर्कआउट करता हुआ सेल्फी बना रहा है, फिर कंटेंट लोग बिंज करने लगे, नेटफ्लिक्स पे ये है, हॉटस्टार पे ये है, अमेजॉन प्राइम पे ये है. आप कितना कंटेंट देखेंगे? उसके बाद क्या है कि सिम्स है, आप नेटफ्लिक्स पे जाएं, अमेजॉन पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो अगर आपने हाँ चाय बनाई, बिल्कुल मैं भी चाय पी रहा हूँ सादिया, तो आप वो एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि आपने अगर कोई शो देखा जो आप उस शो जैसी शो आपको वो बताएगा और देखने को, तो आफ्टर अ व्हाइल अनलेस यू नो यू आर काइंड ऑफ एक्टिवली लुकिंग अराउंड फॉर नेटफ्लिक्स गाइड्स और अमेज़न प्राइम गाइड्स और आस्किंग फ्रेंड्स, यू एंड अप वाचिंग सिमिलर काइंड ऑफ शोज, एंड देन टेम्पलेट इज सेम, वो थोड़ी बोर्डम सी आपको सेट होने लग जाती है. उसके अलावा क्या है कि जो हम जैसे आर्टिस्ट लोग हैं भाई, अब वो तो हमें तो आदत है स्टेज पे परफॉर्म करने की, हर 8-10 दिन के अंदर कोई शो होता है, तो हम जैसे लोग तो बिल्कुल कैद हो गए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है कैसे करना है. तो अब पहले हम जैसे लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया. कंटेंट क्या क्रिएट करना, फिलहाल मतलब जो मौजूदा हमारा कंटेंट था, हमने सोचा कि उसको अच्छे तरीके से लोगों, चाहे वो शायरी है, चाहे वो मोनोलॉग्स हैं, चाहे वो एक क्रिएटिव डायलॉग है, दो आर्टिस्ट मिलकर कुछ कर रहे हैं. लेकिन मसला ये यहाँ आया कि जो पब्लिक है, बिकॉज पब्लिक ने एंटरटेनमेंट आउटसोर्स कर रखा है, आप खुद नौकरी पे जा रहे हैं, आप खुद अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी जो है वो किसी और की है, तो अब पब्लिक जो है वो खुद अपना कंटेंट क्रिएट करने लगी है. सो नाउ हैपेंड, अभी आप देखिए कि इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जहां जहां सोशल मीडिया है, content creators creating content, the audience is now creating content, now people have taken up, they are reciting poetry, they are reading monologue, they are sharing stuff, they are just talking, or they are just going and doing insta live, just kind of interacting with people. So that's the thing which is happening. And the fact that you decided to take this up, you're doing it on your own Instagram handle, whether it is Dastango stranded in America, you've also, you know, done a couple of live, whether it is with Jashne Rekhta, I've seen your live on YouTube, you've done something with Bookma Show. So all of that is happening as we speak. So work is not stopping, and people have actually come up with those innovative ways to keep themselves out of sight, out of mind, and yet continuing to work and, you know, continuing with those associations. So that is also very, very important, Danish. लेकिन मैं आपसे इसमें ना दो चार हैं वो समझने की हैं. पहली चीज़ ये, काम तो हो रहा है, पर ये नहीं है जैसे कि हम एक काम के साथ जब स्टेज के ऊपर लाते हैं, या रिगर के साथ जब कैमरे के सामने जाके एक्टिंग करते हैं, ये उस तरह का काम नहीं है. ये बेसिकली वैसा काम है कि जहाँ हम अपना पुराना स्टॉक जो है, पका पकाया माल जो है, वो निकाल के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं. तो अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होंगे, और अब जैसे मान लीजिए मैं दास्तान गो स्टैंडर्ड इन अमेरिका में आपको रोज एक नज्म, एक पोएम, एक कविता परफॉर्म करता हूँ, तो ये कविताएं हैं जो मुझे याद हैं, और मुझे कविताएं याद हैं वो भी तो लिमिट है ना, 30-40-50 कविताएं याद होंगी. उसके बाद अगर लॉकडाउन मान लीजिए 60 दिन का हो गया, तो मैं तो रन आउट हो जाऊंगा कविताओं से. फिर मुझे नया कंटेंट याद करना पड़ेगा. नया कंटेंट याद करने के लिए आपको रिगर चाहिए होता है, जैसे कि रिहर्सल चाहिए होता है प्ले के लिए, या जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म करने जाते हैं तो आप स्क्रिप्ट के साथ जूझते हैं. तो ये पहली चीज ये है. दूसरी चीज ये है कि काम तो हो रहा है, बट ये पैसा नहीं है ना भाई, ये सब फ्री का है, सब से कहते हैं. अब क्या है कि मुझे लगता है कि पोस्ट कोरोना जो है, जो लॉकडाउन का जमाना, हम वो काफी ना
सो ये जो हमारा पैसे के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, कि हर चीज पैसे के थ्रू होनी चाहिए, अब ये थोड़ा जो है कम हो जाएगा। अब यही होगा कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें एक नज्म सुनाऊं, तुम मुझे एक चाय पिलाओ, ऐसी कुछ बार्टर इकोनॉमी जो है वो चलने वाली है। That's true, Danish, but वही है कि अब जैसे है अब we are in this phase, we have to, we ought to enjoy it and yet do our thing. In हाँ this way, in this process, at least you are keeping your followers, your fan following engaged, and they would want to see more of you. I've just had this comment by Akanksha here. Akanksha is a friend. She says, huge fan of Danish, religiously have been following Dastan. No contemporary actor does justice to Urdu like he does. That's you know, these are the things that performer loves to hear, don't you think, Danish? भाई, अब मैं आपको बताऊं कि मुझ पे ना बहुत तकरीबन दो प्रेशर है कि मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएट करूं, और मैं जो हूं कुछ अपने वीडियोस बनाऊं इंटरेस्टिंग और नेट पे डालूं, और हर कोई मुझसे यही कहता है कि डिजिटल कंटेंट बहुत जरूरी है, डिजिटल कंटेंट की ज्यादा रीच है, वो आपके स्टेज परफॉर्मेंसेज में भी हेल्प करेगी, लोग आपको ज्यादा जानेंगे। लेकिन मेरा ये मीडियम नहीं है, एक्चुअली मेरा मीडियम स्टेज है। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट करें। उसके अलावा मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकली, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे हमनाम दानिश साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम कहने हैं, तो अस्सलाम वालेकुम दानिश। तो मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हूँ, तो मुझे इस और इस तरह से अच्छे से वीडियो एक वीडियो अच्छा सा सेल्फ करके डाला, कोई नज़म पढ़ रही है मेरे ख्याल से फहमीदा रियाज की, और बहुत अच्छी उन्होंने वो नज्म पढ़ के जो है वो सारिया ने खुद वीडियो बनाया हैंड हेल्ड, और फिर वो उसको एडिट किया, और एडिट करके वो नज्म का वीडियो उन्होंने डाला, और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लॉकडाउन में है, और ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सारिया दुनिया ने देखा है, और तुम समझ जाओ कि हमारे पास एडिटिंग का काम बहुत आने वाला है, कर रहा हूँ। While you're talking about the digital medium, we have to talk about the more popular medium, the OTT platforms that you have actually forayed into. Films are a different ball game altogether, but the fact that you've recently been associated with something like a Bard of Blood, playing Mulla Khalid's role, or Taj Mahal. I personally loved Taj Mahal in 1989, and the whole relationship between Sudhakar and Mumtaz was so beautifully nuanced and placed brilliantly. That you know, an actor of your caliber to come up with something like that is something that we all would like to watch, and that's something. And your associations, whether it is Dhobi Ghat to now, has been you know consistent and nice. हाय हाय पूनम, थैंक यू सो मच। हाँ शिवा जी ने आपका दिल जरूर लिया है, साथ में मैं भी आ गया हूँ। सो मच। हाँ यस, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं ना, तो उस चीजें हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने से क्या हुआ कि एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आ गया है। यू नो इट्स लाइक इफ आई वर टू कंपेयर सिनेमा एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स विद लिटरेचर, तो फिल्म जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, और एक सीरीज जो है वो नॉवल है। तो बिकॉज सीरीज सुनाने का एक नॉवल की तरह से है, उसमें कई ज्यादा डिटूर्स होते हैं, कई ज्यादा साइड ट्रैक्स होते हैं, तो उससे क्या हुआ कि राइटिंग के ऊपर बहुत जोर चला गया। बिकॉज अगर आपको सस्टेन करना है कोई इंटरेस्ट, हालांकि राइटिंग फिल्म आप न नहीं है तो फिल्म बैठ जाती है, क्योंकि एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइन कैन ओनली सपोर्ट अ फिल्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इवेंचुअली स्टोरी एट द बॉटम ऑफ इट। तो लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में उसकी जरूरत और ज्यादा हो गई, क्योंकि अब आपको लोगों को 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो है फंसा के रखना है एक सीरीज के अंदर, और 7 घंटे, 8 घंटे का जो कॉन्टेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें क्या हुआ कि राइटिंग पे ज्यादा जोर होने लगा, कैरेक्टर ज्यादा फ्लैश आउट होके आने लग गए, और सडनली द कंटेंट क्रिएटर्स, द फिल्म मेकर्स रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल सीरीज दे नीड मोर देन वन और टू कैरेक्टर्स। यू नो आई मीन प्राइमरी कैरेक्टर्स खुद ही एक अच्छी सीरीज में 8-10 कैरेक्टर्स होते हैं। 8-10 कैरेक्टर्स जो है अगर एक फिल्म में हो तो वो ऑनसेम्बल फिल्म बन जाती है। तो आपको सीरीज में चाहिए तो आपको तकरीबन 10-12 अच्छे एक्टर्स चाहिए, और यकीनन जो भी अच्छी फिल्म अपनी जिंदगी में याद करें। हाय सादिया, थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छी फिल्म याद करें, तो अच्छी फिल्म वही होती है जिसपे ना सिर्फ प्राइमरी कैरेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बल्कि बल्कि इवन वॉक इन कैरेक्टर्स जो होते हैं
वो इतने दमदार होते हैं कि दे जस्ट लिफ्ट द सीन अप एंड दे जस्ट मेक इट वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग टू वॉच. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फिल्म मेकर्स को सडनली दे हैड टू लुक आउट फॉर अ लार्जर पूल ऑफ एक्टर्स दैट वाज अवेलेबल मेनली स्टार नेम्स व्हिच वुड गेट द ऑडियंसेस. उसके अलावा क्या हुआ कि अब भाई बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेटफ्लिक्स भी है, अमेजोन भी है, हॉटस्टार भी है, वूट भी है, जी भी है, सोनी भी है, तो इतने सारे अब हर प्लेटफॉर्म सीरीज बना रहा है. तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा कंटेंट बनने लगा और उसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स की जरूरत पड़ने लग गई. तो उसमें जो हम जैसे बेचारे अधेड़ गुमनामी में चल रहे एक्टर्स थे उनको भी फायदा हो गया कि भाई रोज किसी ने कहा अरे भाई इनको भी जरा देख लो, ये भी शायद कुछ कर लेते हैं. तो अब हमको जब जरा मैं आपको बताऊं, बार्ड ऑफ ब्लड और ताजमहल 1989, इन दोनों फिल्मों में सीरीज में मेरे ख्याल से जो मुझे रोल मिला है उसकी वजह यह है कि मेरी जबान की पकड़ बहुत बार्ड ऑफ ब्लड में दे स्पीक उर्दू विद लिटिल बिट ऑफ स्नैचरिंग ऑफ पश्तो एग्जैक्टली एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एक्टर टू पुल दैट ऑफ. Not that I know Pashto, but because I Pakistan and Dastan is very Persian-centric. Pashto, Persian, these are kind of it's just like Uriya, Bengali and Assamese are. Speaker of one language, you would possibly understand the Uriya speaker and the Assamese speaker, if you're a Bengali speaker. So, Taj Mahal, 1989, needed an actor who could speak. Now, that was also a strange mix of language that an actor had to speak. I think one of the reasons why I got both the roles was primarily because I can pull off these three languages. I had some great co-actors, I had some great directors, I had some great, like in Bard of Blood, I had this lovely Pashto coach, Shabir, and this other boy, Prabhat, Raghuvanshi. And then in Taj Mahal 1989, Pushpendra Mishra himself spoke of the, and he was like completely on there, on the job, making sure that every single word that Shiva and I are speaking in Avdi, the tonality should not sound false to someone who's an actual Avdi. So, uski wajah se कि हमको जो है वो बहुत फायदा हो गया और किरदार अच्छे मिले, वेल रोल्स बैक्ड बाय गुड राइटिंग, ग्रेट को एक्टर्स. आई मीन जब मुझे हाय राजपूत, जब मुझे पुष्पेंद्र ने बताया कि ताजमहल 1989 में माय फेलो एक्टर्स आर नीरज कबी एंड शिवा चड्डा एंड गीतांजलि कुलकर्णी, आई वाज ऑन मून बिकॉज़ यू नो ऑल थ्री ऑफ देम आर ग्रेट एक्टर्स, यू नो आई हैव एडमायर्ड देयर वर्क. Shiba, I had worked before. I anyway knew ki, you know, she, Neeraj and Gitanjali, I'd never worked before. I'd just seen their work. Aur jab mujhe Neeraj aur Gitanjali bhi aaye, to I was like, wow, ab acting karne ka maza aayega. And I remember there is this one specific scene in Taj Mahal 1989 where we all four of us are together having dinner on the table. Yes. Neeraj jo hai, wo Faiz Ahmed Faiz. So when that scene started, Pushpendra gave us, you know, he explained us what is happening or kya hai and what is the undercurrent and how things are. But as the scene progressed, something happened on the table itself. It became a demon, which was something more than what we all wanted to create. And that was so beautiful, which was coming out of the organic chemistry between the four actors sitting on the table. Like, you know, we were kind of blown away by what was happening. Pushpendra and the whole team was blown away and we thought it was like phenomenal, you know, the way this developed. And it got, the scene got some dark underlying layers, which we also didn't comprehend when we started shooting the scene. Ye hua ki usme hume khana bahut khana pad gaya tha. Because, you know, aane wale kisi hote hai na, किसी ने कुछ लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इन द टाइम्स ऑफ लाइव सेशंस व्हाई सम ग्रेट आर्टिस्ट गेट ओनली फ्यू व्यूज. भाई ये तो अपने अपने किस्मत है मेरे दोस्त, है ना. ओके, जिसको तौफीक है, जिसको जिसके हिस्से में वो दाना है वो चुगेगा, जिसके हिस्से में वो दाना नहीं लिखा है वो नहीं चुगेगा.
अब उसके अलावा भी देखिए यहाँ भी तो वही स्टारडम चलती है ना. अब मैं मान लीजिए शाहरुख खान होता तो 1 लाख यहाँ पे यूज हो रहे होते इस वक्त पे. पर ठीक है. पर दानिश आपने जो बात कही है whether it is OTT platform and the importance of characters and I wanted to get to that because it is no longer that that time when everyone was the hero was Singhania ka beta, you know, that you were selling an aspiration and only you know the rich and sort of presentable looking people were put on the pedestal of a hero and a heroine. It's not so anymore. I mean, you do have it started with Himanshu Dhulia's Hasil, maybe went on. He's done films like Adan Singh Tomar, Anurag's Vasepur. So you know the characters became hero, and now that you know this entire shift to OTT platforms, you have more and more actors like yourself who have actually been sought after. I was just watching. I just finished Panchayat. Everybody remembers Raghuveer Yadav. Everybody remembers Mungeri Lal. The way he commands and you know picks up that dialect, and he, you have worked with him in Peepli Live. I mean, it's amazing. So there is always a need for these niche actors, and there will always be that because not always would you need you know the hero because wo to done to death ho gaya hai ab. Nahi, aap cinema mein bhi content dekhe. I mean, look at Gajraj Rao. Look at Nina's comeback. Look at. Dialogue. I mean, the way he has made his name in OTT world. Look at Jatin Sarna. So there are a whole set of actors who are there who perhaps hey Leah, who perhaps were would have gone unnoticed in the big cinema screen system, but because of the OTT system, where again I said it is the compulsion of the format which is making actors like us come into it. Ki bhai, इतना लंबा फॉर्मेट है और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और सबके ट्रैक्स हैं, आप कमजोर एक्टर के साथ काम नहीं कर सकते. ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत मजबूत भी सीख रहा हूँ, और सीखने की हर जमाने में उम्र होती है, और आप जो हैं जैसे जैसे काम करते हैं आपको नई नई चीजें समझ में आती हैं. हम सब ये कि अगर अपने आप को अप्लाई करते रहें और कंसिस्टेंटली, पहली बात डायरेक्टर को जरूर सुने आप. ये डायरेक्टर को आप ये ना समझें कि आप एक्टर हैं तो आप फन्ने खान हो गए हैं और डायरेक्टर को ना डायरेक्टर होता है वो, वही डायरेक्टर चाहे वो कोई भी हो, वो जो है पूरी सीरीज को देख रहा है. तो अक्सर अगर आप डायरेक्टर चले तो वो डायरेक्टर बिकॉज वो जो भी है डायरेक्टर, शी इज वॉचिंग द होल सीरीज, शी नोज द आर्क ऑफ द सीरीज. सो इफ यू फॉलो द डायरेक्टर, शी विल बी एबल टू टेल यू बेटर कि भाई क्या कैसे किस में कैसे फिट होना है. और राइटिंग को, स्क्रिप्ट को बिल्कुल आप अपना जो समझिए ना, बाइबल समझिए, गीता समझिए, कुरान समझिए. आप स्क्रिप्ट को जितना उसके अंदर घुसेंगे उतना आपको सीन की और कैरेक्टर की और को एक्टर क्या है उसको जो कैरेक्टर जिसके साथ ना आपको सीन करना है वो क्या है, वो नौइयत आपको समझ में आती है. और फिर उतनी वो गहराई आपको समझ में आएगी उतना आप उसको बेहतर पेश कर पाएंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एनी एक्टिंग is actually an exercise in imagination. आपका strong imagination होगा उतनी अच्छी आप acting करेंगे. Imagination क्या है? It's just that कि ये जो make believe world है, जिसके अंदर आप एक character बनके घुस रहे हैं, वो make believe world आप इतना flesh out कर चुके हैं अपने brain के अंदर कि जब आप उस make believe world में घुसते हैं, वो make believe world real हो जाती है आपके लिए. फिर आपके लिए वो acting नहीं हो जाती. बस यही है दुनिया, मैं इस वक्त यहीं पे हूँ, मैं यही कैरेक्टर हूँ और ये को एक्टर है, को कैरेक्टर है और मुझे इसके साथ ये ऐसे निभाना है. और फिर आप वही कर तो आपकी कहानी बाध्य करती है निभाने के लिए. तो यही है. अब दास्तांगोई की तो बात करेंगे, आप हमारे साथ हैं. फॉर ऑल द पीपल हु स्टिल डू नॉट नो अबाउट दास्तांगोई, आई हैव टू टेल एवरीवन दैट दानिश हैज बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल, इनफैक्ट वन ऑफ द prime people who've actually gone ahead and you know spoken about that sort of losing art of Urdu storytelling that you know was there, and people have come out in large number. I have been one of the few people jinko Dastangoi ke bare mein, of course Kashif told me about Dastangoi. I remember meeting you first at Nizamuddin and mentioned this to you immense number of times, and ever since I have been your loyal audience. तो इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग होती है आपकी परफॉर्मेंस,
और जो बात आपने कही, चाहे वो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना टू अ डिजिटल स्पेस विच यू आर एक्चुअली यू नो परफॉर्मिंग, लाइक आई सॉ यू परफॉर्म एट सुंदर नर्सरी इन दिल्ली, यू नो किस्सेबाजी के लिए मैं आई थी और दास्ता अमर अय्यार की कहानी आप सुना रहे थे और वही चीज मैंने कल सुनी. So obviously there's a whole difference of the ambience and you know the live audience ki feel or that entire zing is completely different. So all that is there, but you know this entire concept and this entire movement that you've started with Urdu, now that I'm married into a Muslim family, mere bhi Urdu thodi sudhar gayi hai, although I never did not say Khan with the epiglottis, I was always good there. My husband will beg to differ, but it's been brilliant. लेकिन जो आपके ऑडियंस हैं वो ऐसा नहीं है उनको उर्दू जबान आती है. आज ही मुझे काशिफ ने बताया मदर टंग इज मादरी जबान, तो उनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है लेकिन फिर भी वो आते हैं आपको सुनते हैं एंड देयर हैज बीन अ लॉयल्टी दैट हैज बीन एसोसिएटेड टू यू, दे ऑल कम एंड लिसन टू यू इंटेंटली. वो देखिए जबान का दास्तान का खेल ये है कि जब मैंने पहली बार दास्तान देखी और मैंने सोचा कि दास्तान किया जाए तो मुझे लगा कि इट इज द अल्टीमेट चैलेंज फॉर एन एक्टर दास्तान. आप अगर कोई कर रहे होते हैं स्टेज, आप बहुत सारे प्रॉप्स हैं, आपकी एंट्री है, एग्जिट है, को एक्टर है, कॉस्ट्यूम है, लाइट है, म्यूजिक है, सेट डिजाइन है. All these elements are helping the actor to prop the actor up, you know, and they also give an actor a relief while performing. कि भाई थोड़ी देर आपका को एक्टर डायलॉग बोल रहा है, आपकी एंट्री हो गई, एंट्री के बाद आपने एग्जिट किया, अब एग्जिट किया तो आपको रिलीफ मिला, फिर आप थोड़ी देर के बाद दोबारा आपने सीन में एंट्री किया, बीच में लाइट चेंज हो गई, कुछ म्यूजिक आ गया, कुछ ट्रांजिशन सीन हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर रिलीफ टू एक्टर वाइल परफॉर्मिंग. बट वेन यू आर परफॉर्मिंग दास्तान यू एक्चुअली हैव नन ऑफ दीज रिलीफ थिंग्स. Once you have entered on the stage, then you are there on the stage till the end. There is no co-actor, there is no entry, there is no exit, there is no light changing, there is no background music score, there is no set design, there is no other relief there for the actor. You are purely there on your own to fight this battle out with the audience, and you have to make sure that for next 1 hour or hour and a half, you have to sustain audience's interest, that they do not get bored. So I found that as an ultimate challenge as an actor. कि भाई अगर आप वाकई में आप में दम है कुछ तो ये करके दिखाइए ना. आप एक घंटा बैठिए स्टेज के ऊपर अकेले और अपनी जबान से, अपने हाव भाव से, अपनी अदायगी से आप लोगों को बांध के रखिए कि वो एक घंटा डेढ़ घंटा जितनी देर आपको सुन रहे हैं वो बिल्कुल उसी दुनिया में खो जाएं. तो ये चैलेंज मुझे बहुत जबरदस्त लगा एज एन एक्टर. एंड व्हेन आई टुक अप दिस चैलेंज आई थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू लर्निंग कर्व, through accumulated experience, और भी चीजें समझ में आने लग गई कि ऑडियंस का मिजाज कैसे पहचानना चाहिए, ऑडियंस को रीड कैसे करना चाहिए, कब ऑडियंस बोर हो रही है, कब डेटूर मारना चाहिए, कब बीच में एक असर आना चाहिए, when to kind of restrain and when to kind of give it all, when to pull back and when to kind of walk along with the audience, ये चीजें समझ में आने लगी. और जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगी परफॉर्मेंस में और कली बूटे लगने लगे. अब वो दूसरी चीज जो आपने कहा कि भाई डिजिटल में आपने कल देखा तो ठीक है मजा आया, लेकिन वो जो लाइव ऑडियंस की बात है वो नहीं है, वो हमेशा रहेगा. बिकॉज दी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव समथिंग लाइक वो परफॉर्मेंस खाली एक्टर से या परफॉर्मर से नहीं बनती है, ऑडियंस की हमागहमी से बनती है. जो ऑडियंस साथ में आपके है, ऑडियंस पार्टिसिपेटिव होती है, तो ऑडियंस का की मौजूदगी और ऑडियंस का अप्लॉज करना और वाह वाह कहना और कमेंट मारना वो परफॉर्मेंस को इनहांस करता है. परफॉर्मेंस उससे बनती है. और कोई भी आर्टिस्ट जो है वो खला में वैक्यूम में नहीं परफॉर्म करता होता, वो किसी को परफॉर्म कर रहा होता है और जिसको परफॉर्म कर रहा होता है उसमें से रस निकल के वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उससे परफॉर्मेंस बनती है, विच विल ऑलवेज बी मिसिंग इन अ डिजिटल परफॉर्मेंस. बिकॉज अगर आप मान लीजिए आपने कोई गूगल हैंगआउट ले लिया या जूम भी ले लिया तो उसमें भी there's a lag and this feeling of being in a congregation, this feeling of being in a human assembly where there are 50 people, 100 people, 500 people sitting together and consuming a performance together, that will not be there. तो इसलिए
दिस विल, जैसे कि शुरू में भी मैंने कहा कि हाँ भाई काम तो हम कर रहे हैं डिजिटल पे, बट दिस इज अ पुअर फैक्सिमिली, दिस इज अ पुअर कॉपी ऑफ व्हाट द एक्चुअल वर्क इज. सो चैलेंज जब डाउन एक्सटेंड होने लगेगा, जब भुखमरी बढ़ने लग जाएगी, जब लोगों को दिक्कतें पेश आने लग जाएंगी, जब आपका कंटेंट रन आउट करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स नो आर्टिस्ट कैन परफॉर्म बाय बीइंग ऑब्लिवियस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. मैं यहाँ पे ये सोच के नहीं परफॉर्म कर सकता कि मैं एक डिल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहा हूँ और ठीक है मैंने एक कविता सुना दी तो लोग जो हैं उसमें खुश हो जाएंगे और अपनी जो मुश्किलात हैं वो भूल जाएंगे. समवेयर यू हैव टू लिंक टू व्हाट द यूनिवर्सल लाइफ इज आउटसाइड, और तब जो है चैलेंजेस कंटेंट के परफॉर्म करने के डिजिटल मीडिया पे वो सब सामने निकल के आने लगेंगे. You have to be aware, ये Danish, congregation is a very, very controversial word these days. So we have to be very particular about using congregation or any kind of jamaat references. It's a very controversial word these days. that's how our reality is changing, where human Of congregation is course. something more, because Danish, after all, you are a poet. People, जी and of late we have seen how poetry has been sort of the go-to space for a lot of people out there protesting on the streets much before this coronavirus crisis was upon us. We've seen the protests because of CAA, NRC, and the respite in poetry that we sought, whether it was Hum Dekhenge by Fez or otherwise, that is the kind of the beauty of poetry, so to speak, that even as there's a lot of agitation around, or probably to stand up to an authoritarian state, you have a poet's respite always present in people who would actually move towards poetry. What would you have to say about poetry in times like these? भाई, पोइट्री जो है ना, देखिए आप ये पहली आपको फंडामेंटल बात समझनी होगी. फंडामेंटल बात ये, ह्यूमन स्पीशीज जो है वो अपना सोशल इंटरेक्शन कैसे रखती है. बिकॉज ह्यूमन स्पीशीज वॉज एबल टू इन्वेंट लैंग्वेज, यू नो देयर, आई मीन एनिमल्स ऑल्सो हैव लैंग्वेजेस, बट दोज लैंग्वेजेस कैन पॉसिबली बी टर्म्ड एज सिग्नलिंग एंड नॉट बियॉन्ड दैट. बट वी वर लैंग्वेजेस जहां, और कहानियां सुनाने की वजह से ही हमने सिविलाइजेशन क्रिएट की. भाई अब आप वहां बैठी हैं, मैं यहां बैठा हूं, और मान लीजिए 11 आदमी 12 आदमी ऑनलाइन लॉग इन करके देख, अब ये 11 आदमी कहीं अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं. वॉट इज इट दैट बाइंड्स अस टुगेदर टू कम टुगेदर एट दिस टाइम टू बी टुगेदर? इट इज अ स्टोरी. A story that you gave, ki tomorrow I'm going to have an interview, a coffee with the coffee time with Danish Husain. Please come and watch it. Now, why would for something like this? Because they believe that yes, this event will happen. They believe the story that you gave out. So it is our mutual trust, it is our understanding of going beyond the sensory, of believing in words, which is the reason why we human beings are able to come together and create civilization. अब भाई आप एप्पल में एक आदमी यहाँ काम कर रहा है, एक आदमी हिंदुस्तान में नौकरी कर रहा है, वो तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना, पर क्यों वो एप्पल की कंपनी के लिए कर हिंदुस्तान, एक आदमी दिल्ली में रह रहा है, एक आदमी रह रहा है, एक आदमी तमिलनाडु में रह रहा है. उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जबान उनकी अलग है, कल्चर उनका मुख्तलिफ है, लेकिन दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया टुगेदर. दैट्स व्हाई दे थिंक दैट दे आर फेलो सिटीजंस. दैट्स अ स्टोरी. So it's a part story telling actually binds us as a civilization. सवाल क्या था आपका? मैं जरा इसमें आगे निकल गया हूँ, मुझे फिर से आप. No, I was just, it's very fascinating to see the understanding, though, because usually people consider poetry to be associated with a very niche space. But then we see that इतने सारे agitation में poetry इतनी ज्यादा use हुई, लोग poetry की तरफ बढ़े. Now you realize that the binding thing which keeps us as civilization is our ability to communicate with each other. Language. Language is something which makes us different from other species. अब अगर आप लैंग्वेज में जाएंगे तो लैंग्वेज में the apogee, the zenith of language is poetry. That's the highest form. That's when the language becomes most eloquent, when language is spoken as a poetry. Because poetry has brevity, because poetry uses imagination, because poetry uses the best of idioms, because poetry can create something better than what the language is going to offer you.
So instantly, mentally, we are drawn towards language. That's why we are fundamentally drawn towards poetry. जैसे ही हम अच्छी शायरी सुनते हैं, हम फौरन उस शायरी की तरफ जो है मधु हो जाते हैं, उसकी तरफ उसकी तरफ मायल हो जाते हैं. तो अभी क्या है, हालांकि जहालत बढ़ती जा रही है, हालांकि जबान का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स गिरते जा रहे हैं, लोगों के अंदर ग्रेसेस नहीं है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में डिबेट होगी तो कोई साला शेर ही ठोकेगा वहां पे अपनी बात, है ना. आप मोर्चेबाजी होगी, चाहे भद्दा ही नारा लगाए, लेकिन आखिर में वो पोइट्री कर रहा है. वो जो जो मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि प्रो सीए प्रोटेस्ट क्या होता है. हाउ कैन यू बी प्रो समथिंग एंड प्रोटेस्ट. ये प्रोटेस्ट जा रहे थे तो वहां चाहे वो भद्दा ही सा नारा था, लेकिन वो नारा पोइट्री थी. एक बंदी थी, एक राइमिंग थी. तो पोइट्री जो है वो इंसान का के एक जो क्या कहते हैं, एक इंसान का जो एक स्किल है लैंग्वेज का, उस स्किल को का जो कहते हैं हाई पॉइंट है. एंड दैट्स व्हाई पोएट्री विल ऑलवेज बी इन फैशन. दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज बी इंट्रीग्ड बाय पोएट्री. दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज बी फैसिनेटेड बाय पोएट्री. दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज बी ड्रॉन टुवर्ड्स पोएट्री. और पोएट्री जो है वो हमारी नहीं है, इसलिए पोएट्री को जो है अपने अंदर घुसा लीजिए, जज्ब कर लीजिए. शेमस हीनी इतने बड़े पोएट थे, वो कहते थे कि कम से कम 1000 पोएम सबको याद होनी चाहिए. मैं उर्दू की बात कर रही थी आपसे, उर्दू जुबान को प्रोपगेट करने के लिए I speak to it of it as the lost sort of or losing form of storytelling that you are, you know, making efforts to revive. मेरे late father-in-law Dr. Yahya Siddiqui, वो एक word बहुत इस्तेमाल करते हैं, मुतासिर. अब लोग इतने ज़्यादा, I would not call it herd mentality and yet it could be one, but the moment you have a Dastangoi session, you have a loyal audience, you have people, you must be having young people also who would not know the language. You have people like me. When I came to, you know, to listen to you, I was not very well versed with Urdu myself, but yet I invested in the storytelling format and I liked it. At the same time, you would have something like a Coke studio, which is very, very popular. जितने आई मीन यू हैव फैज की नज़में या इकबाल बानो के गाने वगैरह सब तो चल ही रहे हैं वहां पे, या नुसरत फतेह अली खान हो या आबिदा परवीन हो, पीपल लिसन टू देम. सो डू यू थिंक देयर इज लाइक अ यू नो पीपल आर नॉट रियली एट वन प्लेस एट अ टाइम, एट द वन टाइम दे वुड गो हेड एंड मे बी द गवर्नमेंट विल पीनलाइज अ पोएट, एट द सेम टाइम दे वुड बी ड्रॉन टू यू नो पोएट्री व्हिच कम्स फ्रॉम अ कोक स्टूडियो बिकॉज इट्स पॉपुलर. देखिए आप जो डॉक्टर सिद्दीकी ने जो लफ्ज कहा मुतासिर, मुतासिर वो मतलब जो चीज असर करती है जी. अब बेगम अख्तर ने एक फेमस इंटरव्यू कहा कि भाई कलाम वो है जो दिल पे असर करे. सो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे उस दिन अभी कल ही मैंने कुछ आरफा आपा का इंटरव्यू डाला, शी इज अ इंटेलेक्चुअल देयर इन पाकिस्तान एंड अ ग्रेट वुमन. सो शी सेड दैट कि इवेंचुअली आवर एग्जिस्टेंस इज इमोशनल. At the end of the day, intellect, अकल जो है वो सिर्फ आपको physical, sensory level पे आपकी मदद कर सकती है, वो rationalize चीज होती है. But eventually, for a deeper experience, thing have to go and get inside and touch you at a very metaphorical, at a very metaphysical level. जब वो वहां असर करती है तो तब जाके चीज आपको समझ में आती है. That's why जो experiential learning होती है वो ज्यादा strong होती है. And storytelling is so strong because storytelling aapko experiential learning pe le jati hai. To ab kya hota hai ki jaise maine kaha ki bhai barf mein khelne ka bahut maza aata hai, to jab tak aap actually barf mein ja ke nahi khelengi aapko wo experience nahi samajh mein aayega. Storytelling kya karta hai ki baghair aapko physically kahin pe le jaye, wo aapko emotionally aur mentally imagination ke level pe kahin le jata hai, transform kar deta hai, le jata hai. Aur kyun experience de jata hai. That's why experiential learning remains deeper with you. So, इसीलिए get all texts of the world, चाहे वो Bible है, चाहे वो Quran है, चाहे वो Gita है, वो Ramayan है, Mahabharat है, वो कहानियों में है. हाँ, तो इसलिए जो 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 ये चीज आप जो कह रही हैं कि ये जो चीज असर करने वाली है, वो असर जो है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो आपको एक experiential learning के लिए जाती है. दूसरी चीज क्या है कि as a human being, हमारी फितरत में है लताफत की तरफ जाना, लतीफ चीजों की तरफ जाना.
finer things, aesthetics. Khana acha hai zaiqe mein, to aap usko pasand karenge. Kapda acha hai pehenne mein, to aap usko pasand karenge. Nazara acha hai dekhne mein, to aap wahan jaake us manzar ko, us nazare ko dekhna pasand karenge. Shakl khoobsurat hai dekhne mein, to aap usko baar baar dekhna chahenge. Hey, gana sunne mein acha lag raha hai, to aap us gaane ko baar baar sunna chahenge. So it is fundamental in our design to kind of chase latafat, to go for things which are finer in aesthetically. So uski wajah se kya hai ki shayari jo hai wo again alfaz ki zuban ki latafat hai. Aur jo cheez latif hoti hai wo aap pe asar karti hai. Bhai acha khana khati hai to aap pe asar karta hai na. To aap do hafte ke baad bhi jab bhook uthti hai to kehti hai yaar aaj wo फलाने होटल में गए थे, वहां बड़ा अच्छा खानसामा ने खाना बनाया था, वो खाना खाने का दिल कर रहा है. या कपड़ा अच्छा है पहन लिया तो कि भाई वो डिजाइनर का कपड़ा जो है वो मुझे बड़ा फिट लगता है, आई लुक वेरी गुड इन दैट, आई वांट टू गो एंड बाय समथिंग फ्रॉम दैट डिजाइनर्स बुटीक ओनली. तो ये हमारी फितरत है और शायरी इसीलिए जो है हमेशा पसंद आएगी क्योंकि हमारी फितरत लतीफ चीजों की तरफ जाने की है, तो हम शायरी की तरफ भी भागेंगे. दैट्स ब्रिलियंटली सेड दानिश. एंड बिफोर आई एंड दिस कन्वर्सेशन वी'd हैव You know, the times that we are living in the time of Corona, anything, I would not, main ye nahi kahungi kuch suna dijiye or anything, but you know, anything that comes to your mind in your own special andaaz, if you have to end this interview, what would you say? Bhai, main to yahi kahunga ki insani, wo jo Noor Neem Rashid ki jo ek nazm hai, tamanna ke taar. Tamanna jo hai na, desire, ye hamari dunya ki greatest wealth. Desire jo hai, that keeps us alive, that gives us hope, that pushes us forward to go towards things and achieve them. So main jaate jaate Noor Neem Rashid ki jo ye nazm hai tamanna ke taar aapko suna deta hu. Tamanna ke jholida taar. Jholida means entangled. Tamanna ke jholida taar. गिरा दर गिरा हैं तमन्ना के नादीदा तार. सितारों से उतरे हैं कुछ लोग रात, वो कहते हैं अपनी तमन्ना के जोलीदा तारों को सुलझाओ, सुलझाओ अपनी तमन्ना के जोलीदा तार. सितारों की किरणों के मानिंद सुलझाओ, मुबादा सितारों से बरसे वो तीर की रह जाए बाकी तमन्ना न तार. तमन्ना के जोलीदा तार. सितारों से उतरे हुए ये राहगीर कहे नूर ही नूर उनका खमीर, तमन्ना से वाकिफ नहीं ना उन पर आया तमन्ना के तारों की जोली दी ही का राज. तमन्ना हमारे जहां की, हमारे जहां की मताए असीस. मगर सितारों से उतरे हुए ये लोग सर रिश्ते ना गुजीरे अबद में असीर. अब मैं आपको ये थोड़ा समझा दूं क्या हो रहा है यहाँ पे कि तमन्ना हमारे जहां की, हमारे जहां की मताए अजीज. मताए अजीज मीन्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ. तमन्ना हमारे की इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आवर वर्ल्ड. मगर सितारों से उतरे हुए ये लोग सर रिश्ते ना गुजीरे अबद में असीर. बट पीपल हु हैव डिसेंडेड ऑन अस फ्रॉम दीज स्टार्स are trapped in an eternity that cannot be cancelled. Sir rishtay na guzire abad mein asir. Hum unse kehte hain, ae ahle marikh, jaane wo kin kin sitaron se hain. Adab se, shamat se kehte hain, ae muhtaram ahle marikh, kya tum nahi dekhte in tamanna ke taar, jholida taaron ke rang? मगर उनको शायद रंगों से फुर्सत नहीं, रगबत नहीं कि रंगों की उनको फरासत नहीं है. रंगों के बारे में उनका ख्याल और उनका महव विसाल, उनका फिराक विसाल. और बड़ी सादगी से हम ये कहते हैं, मोहतरम अहले मरीख, क्या देखे नहीं तुमने जोलीदा बाहों के रंग, मोहब्बत में सरखुश निगाहों के रंग, गुनाहों के रंग. थैंक यू सो मच दानिश, दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्यूटीफुल, सरियल. थैंक यू सो मच.
Thanks so much for joining me, and you stay safe at home there in America. We are hoping that this situation just ends as soon as possible. कहता हूँ लोगों से कि अब आप लोग दिल लगा के दुआ कीजिए कि ये जो वबा है वो खत्म हो और फिर से हम सब कॉन्ग्रेगेट करें थिएटर में, जहाँ पे आप बैठ के हमारी परफॉर्मेंस देखें और आप दिल खोल के वाह वाह करें, दिल नज़्में और कहानियां और दास्तानें सुनें. ऑलराइट दानिश, थैंक यू सो मच. वाह वाह फ्रॉम मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन. थैंक्स दानिश, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू.